होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों पर विगत दिवस चालानी कार्रवाई की थी, परंतु जब चालानी कार्रवाई के बाद भी लोग नहीं माने तब मंगलवार सुबह स्थानीय पुलिस थाने के सामने पुलिस ने गाड़ी से घूमने वाले वाहन चालकों पर एक अलग अंदाज में कार्रवाई करते हुए सभी वाहन चालकों के वाहन थाना परिसर में खड़े करवा दिए, जिसके बाद हालत ये हो गई कि पुलिस थाना परिसर वाहनों से भर गया था। थाना परिसर में भी जगह नहीं बची थी, जिसके बाद पुलिस ने अब एक दूसरी तरकीब निकाली है, जिसके अंतर्गत आज सिवनी मालवा थाने के सामने दो पहिया वाहनों को रोककर लोगों को कोरोना के बारे में और लॉकडाउन के बारे में विस्तार से समझाया गया। साथ ही जिन लोगों के पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क देकर लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर गुलाब का फूल भी दिया गया। इसके अलावा एसडीओपी सौम्या अग्रवाल ने कोरोना और उसके बचाव को लेकर 5 सवाल के सही जवाब मांगे, जिन्होंने सही जवाब दिया उनके वाहन छोड़े गए, बाकी लोगों हिदायत देकर छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर लोगों के वाहनों पर चालानी कार्यवाही भी की गई। एसडीओपी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि अगर लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। एक ही लाइन गा रहा है बाकी का पूरा जी। आज सिवनी मालवा थाना क्षेत्र में लॉकडाउन के नियमों को पालन कराने के लिए वाहन चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें जो लोग हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि इतना आवश्यक कार्य नहीं था फिर भी अपने घर से बाहर निकल रहे थे, उनको थाना परिसर में लाके बिठाया गया। चालानी कार्रवाई ना करते हुए हमने उनको जागरूक करने के लिए उन्हीं के द्वारा उन्हीं के साथियों में से कोरोना वायरस की गंभीरता को समझाया गया और साथ ही लॉकडाउन के क्या क्या नियम हैं उन सभी को एक्सप्लेन करे गए, साथ ही उनसे पूछा गया, जिससे कि अब सभी ने ये बताया है, आश्वासन दिया है, अब सबको क्लैरिटी है कि अब वो लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे।